चैप्टर नंबर 6 उमानास जर्नी लुकिंग अराउंड बुक क्लास 4 वीडियो नंबर 3 वर्कशीट सॉल्यूशन वीडियो नंबर 1 इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई इन लोक शक्ति एक्सप्रेस लिस्ट डाउन द स्टेशन यू कम अक्रॉस इन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जर्नी, एक ट्रेन है लोक शक्ति एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से मुंबई की ओर चल रही है। इसका ये रूट दिया हुआ है कि कौन से स्टेशन से चल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है लिस्ट डाउन स्टेशंस। आपको क्या करना है, इसमें उसे लिस्ट डाउन करना है, मतलब आपको इस तरह से देख देख कर स्टेशंस के नाम लिखने हैं। ये जो है अहमदाबाद, ये इस ट्रेन का सोर्स स्टेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेन शुरू हुई है। और दूसरा आनंद, ये हॉल्ट कहलाएगा, नेक्स्ट हॉल्ट मतलब अगला स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकेगी। फिर बड़ोदरा, अब सूरत, फिर बलसाड़ और लास्ट में डेस्टिनेशन स्टेशन मतलब जहाँ पहुँचना है वो है मुंबई। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको क्या करना है, सारे स्टेशंस के नाम बस लिखना है यहाँ पर। इसी क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी फ्रॉम तिरुनेलवेली टू चेन्नई इन नेल्लई एक्सप्रेस लिस्ट डाउन द स्टेशन यू कम अक्रॉस इन बिलो। तो ये है मैप और यहाँ आपको ये सारे स्टेशंस को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लिस्ट डाउन करना है। इमेजिन मतलब आप मान लो कि आपको एक जर्नी स्टार्ट करनी है, यात्रा शुरू करनी है, कहाँ से, तिरुनेलवेली से, और कहाँ तक, टू चेन्नई, मतलब इस तरह से ट्रेन इस रूट से जाएगी और ये अलग अलग स्टेशंस मिलेंगे। तो कितने स्टेशंस मिल रहे हैं, काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये सारे स्टेशंस यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन आप ऊपर से नीचे स्टार्ट नहीं करेंगे, आप नीचे से ऊपर इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, तिरुनेलवेली टू चेन्नई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तिरुनेलवेली, फिर विरुधुनगर, इसके बाद मदुरई, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, वृद्धाचलम, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू और चेन्नई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर वाला क्वेश्चन। द क्राउड नियर द डोर इज टू चेक, ट्रेन के डोर के पास बहुत सारी भीड़ क्या चेक करने के लिए इकट्ठी होती है, क्या ये लगेज चेक करने के लिए, कोच चेक करने के लिए, या रिजर्वेशन चार्ट चेक करने के लिए। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा रिजर्वेशन चार्ट। तो आंसर इसका ये है रिजर्वेशन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो टिकट चेकर इज आइडेंटिफाई बाय हिज, जो टिकट चेकर होते हैं TTC, वो कैसे हम उनको पहचानते हैं, क्या उनका कोट ब्राउन होता है, ब्लैक होता है या वाइट होता है। सो व्हाट इज द आंसर, बाय ब्लैक कोट। सो हियर इज द आंसर, आप उस पर टिक करेंगे और आंसर क्या होगा, तो ब्लैक कोट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ट्रेन इज एट द एट ए वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम्स टू बी रनिंग, जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में चलती है तो हम खिड़की के बाहर देखते हैं तो सारी चीज़ें कौन सी डायरेक्शन में दौड़ती हुई हमें समझ आती है। ऑप्शन 1 सेम डायरेक्शन, ऑप्शन 2 अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन 3 साइडवेज। तो क्या आंसर है इसका, अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टी दिशा में। तो इसका आंसर हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द स्टेप्स इन रिजर्विंग अ टिकट फॉर
योर जर्नी इन ट्रेन, आपकी ट्रेन की यात्रा के लिए टिकट रिजर्वेशन कैसे करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप लिस्ट डाउन कीजिए। नंबर वन, क्या करेंगे आप, गो टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर टेक रिजर्वेशन फॉर्म, रिजर्वेशन का फॉर्म लेंगे वहाँ से, और फिर फिल ऑल डिटेल्स लाइक पैसेंजर्स नेम एज एक्सेट्रा, सारी डिटेल्स जैसे कि पैसेंजर का नाम एज और विद उसका मोबाइल नंबर एक्सेट्रा उसमें हम फिल करेंगे। सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टेशन फॉर ट्रेन विद डेट, किस डेट पर आपको यात्रा करनी है वो जरूर डालेंगे, और सोर्स मतलब जिस स्टेशन से आपको बैठना है और डेस्टिनेशन मतलब जिस स्टेशन से आप पर आपको उतरना है, तो स्टेशन फ्रॉम और स्टेशन टू ये भी डालना इम्पॉर्टेंट है, उसमें लिखना होगा डेट के साथ। फिर फिल ट्रेन नंबर ऑल्सो, ट्रेन नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको ऑपरेटर से वहाँ पर पता चल जाएगा। और इसके बाद सबमिट द फॉर्म एंड पे फेयर एंड गेट टिकट्स, इसके बाद आप फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका जो भी किराया होगा वो मिलेगा और आपको टिकट मिल जाएगी। तो टिकट या तो यदि उसमें बर्थ होगी तो कंफर्म मिल जाएगी, और यदि बर्थ अवेलेबल नहीं होगी, खाली नहीं होगी, तो वेटिंग मिल जाएगा जो बाद में कंफर्म भी हो सकता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि जाकर विंडो से सीधे टिकट नहीं खरीद सकते हैं, पहले रिजर्वेशन फॉर्म भरना होता है। इस तरह का ये रिजर्वेशन फॉर्म होता है जो कि ये इंग्लिश में है और इसके बैक साइड ये हिंदी में भी होता है। इस तरह से फॉर्म भरना होता है, जितने पैसेंजर्स जा रहे हैं उतने लोग यहाँ पर उनका यहाँ पर नाम और वो मेल है या फीमेल, उनकी एज और यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी होती है। मोबाइल नंबर से हमें SMS के जरिए पता होता रहता है कि अभी हमारे टिकट का क्या स्टेटस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, डिस्कस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाथरूम में, ट्रेन के बाथरूम में पानी नहीं था जब वो माना गई थी तब? तब इसका आंसर ये हो सकता है कि वाटर वॉज नॉट फिल्ड प्रॉपरली, देयर वॉज वेस्टेज। तो ये हो सकता है कि पानी ठीक से ना भरा गया हो और वहाँ वेस्टेज हो रहा हो ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन विल द वाटर बी फिल्ड, पानी कब भरेगा? आंसर, एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, अगले बड़े स्टेशन पर भरेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व एंड इन्फर, इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो और इसके बारे में बताओ। तो पहला क्या है, ट्रेन इज कमिंग एट प्लेटफॉर्म, ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है, और इसको क्या देखकर लग रहा है, ट्रेन इज मूविंग। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो